ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन द नीट 720 चैनल एंड दिस इज हर्ष जरानी। आई टीच केमिस्ट्री टू ऑल द स्टूडेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स अक्रॉस द नेशन। और मेरे साथ है केशव सर, जो इसी चैनल पे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और आपकी नीट की तरफ जो नीट 2021 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हमारा लक्ष्य है कि वो अपना स्कोर इस बार, अब की बार नीट में 700 पार, है ना, ये स्कोर लाने में एकदम सक्षम रहे। जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, डेली अपकमिंग वीडियोस आती है, डेली ट्रिक्स सुपर ट्रिक्स आती है, क्वेश्चंस होते हैं, तो हर एक चीज बच्चों आपको इस चैनल पे मिलती है, जिससे आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस में। अब ये तो है बेटा पढ़ाई की, इसी के साथ साथ बेटा अभी जैसी सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया में, है ना, वी आर डायरेक्शनलेस, है ना, हर कोई डायरेक्शनलेस है कि आगे क्या होगा। इसी में स्टूडेंट लाइफ में बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है बेटा इन चीजों को फेस करते हुए, क्योंकि अगर आपको कोई मतलब डेस्टिनी, मतलब आपको पता है आपको कहाँ पहुंचना है, पर उसके लिए मतलब पाथ कभी इधर उधर हो जाता है ना, तो हम मतलब बहुत पैनिक कर जाते हैं, सिचुएशन को संभाल नहीं पाते हैं। तो जैसी अभी सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया डायरेक्शन लेस है कि हम कहाँ जा रहे हैं कोविड की वजह से, एज यू नो। तो उसी की वजह से हमारे 12th बोर्ड एग्जाम्स पे जो प्रभाव पड़ा है, जेईई मेन्स के एग्जाम में जो प्रभाव पड़ा है, और नीट के एग्जाम में क्या हो सकता है, इस बारे में एक फैक्चुअल डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, केशव सर के साथ, ताकि आप लोगों का विजन एकदम क्लियर रहे। आपको स्ट्रेटेजी, देखो यार एग्जाम पता है कब होना है, तो उसको देखते हुए हमारी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बनती है ना। ये एक कि हाँ होगा, वो चीजें बहुत डिफर कर जाती है ना। तो इसके लिए अब मैं केशव सर से कहूंगा कि सर आपका बेस्ट, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, और अभी के जो सिनारियो है कि बोर्ड और नीट कब होगा, पोस्टपोन होगा, क्या होने वाला है आगे, उस पे एक मतलब प्रकाश डालिए, इनको एक क्लियर विजन दीजिए कि हाँ कि इनको कैसे आगे बढ़ना है। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हर्षित सर ने अभी कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि कोविड एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से काफी हद तक हम लोग डायरेक्शनलेस हो गए हैं। तो इसी को देखते हुए अभी बहुत सारे चीजें तैर रही हैं कि कब होने वाला है, 12th का एग्जाम होने वाला है, नहीं होने वाला है। जैसे आज ही ट्विटर पर एक बच्चों ने ट्रेंड चलाया हुआ है कि 12th एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए। तो इन सब की लाइट में देखते हुए सब बड़े कंफ्यूज हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे आज ही न्यूज आई है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक हमारी जो एक मीटिंग लेते हैं वो कोविड के ऊपर रोज, उसमें आज नीट को लेकर के भी डिस्कशन किया, जिसमें कहा गया है कि नीट को शायद पोस्टपोन किया जाएगा। पर जब तक हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं आ जाता या एग्जैक्ट अनाउंसमेंट नहीं आ जाती हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, तब तक एक बेसिक जो हमारे पास डेटा या है पहले से, उसको देखते हुए हम क्या एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं या दिमाग में एक हम टाइमलाइन दे सकते हैं कि कब आखिर होने वाला है। तो इसी को देखते हुए पिछली जितनी अभी तक न्यूज आई है उनको देखते हुए मैंने एक थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें बस ये देखना है कि भाई एग्जाम कब हो सकता है। तो इसमें सबसे पहली न्यूज आई थी कि एनटीए जो है वो जून 12th को पहली आपका एक वो करेगा कोविड का असेसमेंट, यानी कि कोविड की सिचुएशन इस वक्त क्या है, उसको देखते हुए वो डिसीजन लेंगे कि आपका जो है 12th का एग्जाम कब कराना चाहिए। वो जून 12th के बाद भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसके पहले भी, उसके पहले तो हो ही नहीं सकता। जून 12th ही उनका डेट है जिस दिन वो असेसमेंट करें। उसके बाद सेकेंड जो उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया था कि कम से कम 15 दिन का वो आपको टाइम देंगे आपके 12th बोर्ड का एग्जाम देने के लिए, मतलब तैयारी करने के लिए, यानी कि 12 जून से कम 15 दिन आप आगे मान के ही चलिए कि आपका एग्जाम उससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 12 जून से 15 दिन अगर हम मानते हैं तो 27 जून, तो मान के चलिए लगभग लगभग 1 जुलाई से पहले आपके 12th के एग्जाम चालू नहीं होने वाले। और अगर 1 जुलाई से 12th के एग्जाम शुरू हो भी जाते हैं तो भी कम से कम 25 से 30 दिन लगते हैं उनको पूरा होने में। तो 1 अगस्त से पहले, मतलब 1 अगस्त को तो नीट का एग्जाम होना लगभग लगभग इस वक्त बहुत ही मुश्किल है। वो कम से कम 15 से 20 दिन तो पोस्टपोन होगा ही, यानी 15 अगस्त से पहले आपका नीट का एग्जाम लगभग होना बहुत ही बहुत मुश्किल है इस वक्त, गिवन कंडीशंस और जिस तरह कोविड जा रहा है, 4 लाख केसेस रोज आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये एक डेट और आगे खिसक जाए। ठीक है, तो ये मतलब तो मेरा कोविड से असेसमेंट है। रिलेटेड ये भी है कि अभी तो और बढ़ने ही वाला है आने वाले टाइम पे, हाँ, अभी मतलब ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं सर। जैसा कि डॉक्टर्स से भी मेरी बात होती रहती है और जो मैं बाकी डॉक्टर्स के इंटरव्यूज मीडिया में जैसे चलते रहते हैं, तो सबको देखते हुए
अभी यही चल रहा है कि पीक आने में कम से कम 1 महीना तो कम से कम लगेगा, या मई के सेकेंड हाफ में पीक आने के लगाए जा रहे हैं, और जितने केस अभी हो रहे हैं उससे कम से कम डबल केसेस आएंगे ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है, और फिर ऐसा नहीं है कि पीक आते ही एकदम से खत्म हो जाएगा, पीक आने के बाद फिर जिस तरह से वो बढ़ा है उसी तरह से कम भी होगा, तो उसमें भी उसको टाइम लगेगा कम से कम 1-1.5 महीना और। तो ये देखते हुए ही हम असेस कर रहे हैं कि नीट लगभग कंफर्म है कि वो होगा, बट गिवन पोस्टपोन हाँ पोस्टपोन होगा तो, बट सब कुछ कहने के बाद फिर भी हमें यही मान के चलना है कि 1st अगस्त इज आर डी डे, 1st अगस्त को ही हमें अपना डेट कि मानकर अपनी तैयारी एक करनी बात ये भी कह देता हूँ, ये एकदम सही सर कह रहे हैं, जो एकदम सही है, बट सिचुएशन क्या है, जैसे नीट 2020 की अगर बात की जाए, तो उस टाइम जो कोरोना इफेक्ट था वो इतना पेंडेमिक नहीं था, मतलब इस तरीके से नहीं था, कोरोना था बट लोग इतना मर नहीं रहे थे जो सिचुएशन अभी है, तो इसलिए इन लोगों ने लास्ट ईयर सितंबर में नीट करा दिया था, तब भी अगस्त में नहीं हुआ था लास्ट ईयर भी सर, है ना, सितंबर में हुआ था। में नीट एग्जाम कंडक्ट कराया था, जब इतनी वर्स्ट सिचुएशन नहीं थी कि आदमी इस तरीके से तड़प तड़प के, जैसे आज ऑक्सीजन की सप्लाई मतलब कट ऑफ होगी पूरे देश में, है ना, ऐसी कंडीशन नहीं थी, तो वो चीज कि भाई लास्ट ईयर भी करा दिया, तो बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि सर लास्ट ईयर भी तो करा दिया था, ये पहले मना कर रहे थे मना कर रहे थे, पर फिर भी करा दिया उन्होंने, बट अब लास्ट ईयर और अभी की सिचुएशन में बहुत अंतर है देश में, तो मैं यही कहना चाहूंगा अगर यही सिचुएशन रही तो एग्जाम कुछ भी नहीं होने वाला, देश तो पूरा वैसे भी कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ बढ़ ही रहा है अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते रहे तो इसमें तो बस एक यही चीज है कि आप पढ़ते रहे, है ना, बी सेल्फ मोटिवेटर, है ना, जो भी कोई दिक्कत हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कमेंट छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत हो, एनी टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ इशू यू आर फेसिंग, वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट, बस टाइम तो जरूर आएगा, देखो एग्जाम तो होगा ही, है ना, इन दी एंड, बट उस दिन हमें परफॉर्म करना है, तो बिल्कुल डू प्रिपरेशन इन सच अ वे, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि हाँ मुझे और टाइम मिल जाएगा तो मैं और प्रिपरेशन अच्छी कर लूंगा, बिल्कुल। जी और सर, इसमें मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि जो हर्षित सर ने कहा कि अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड इश्यू है, या आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, या आपका मोटिवेशन की प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम है एक्स वाई जेड, आप रीच आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम अपने जो भी चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप रीच आउट कर सकते हैं वो भी आपको बता देंगे, या फिर हर्षित सर और मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर आप रीच आउट कर सकते हैं। तो वो चीज को देखते हुए आप बिल्कुल बिल्कुल घबराइए मत, आप बस ऐसे लेकर चलिए कि टाइम है उसको आपको यूटिलाइज करना है, रेगुलर बस पढ़ते रहिए, और जो भी डाउट्स हैं किसी भी तरह के इन जनरल, इवन कोविड से रिलेटेड भी आप पूछ सकते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज कि अपना ध्यान रखिए, सबसे अच्छी चीज तो देखिए अभी हम यही कर सकते हैं कि एक और पेशेंट ना जोड़े, यानी खुद को कम से कम बचा लें और अपने परिवार को, पेशेंट जोड़ने की ना जोड़ने की कोशिश करिए, और दूसरा पढ़ाई करते रहिए घर पे बैठ के, आपके पास वैसे भी टाइम है तो उसको यूटिलाइज करिए अपनी तैयारी के लिए। जी और कोई ओके गाइस, सो जी दैट्स इट, है ना, मैं एकदम फैक्चुअल बातें कही हैं सर ने एकदम, जी तो इस पे आप रिलाई करिए, और भी कोई अपडेट होता है हम जल्दी लेके आएंगे आपके लिए, सबसे पहले इस नीट 720 चैनल पे, और तब तक के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स को पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए, और जिस हिसाब से हम अभी पढ़ा रहे हैं कंटेंट, और इन दी एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च आर टेस्ट, तो उसको जरूर ज्वाइन करना बेटा, है ना, एक टेस्ट प्लान हो रहा है, टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस, तो अभी कंटेंट पढ़ते रहिए, और जल्दी ही आपके टेस्ट भी होने वाले हैं चैनल पे, तो बहुत कुछ होने वाला है, तब तक के लिए जुड़े रहिए, ओके Keep in touch and thank you so much for your time.